डॉक्टर साहब, मुरादाबाद से मिस्टर जगदीश प्रसाद जी हैं, इनकी उम्र 55 साल है। ये पूछना चाहते हैं कि इनके कंधे में 1.5 साल से दर्द है और पिछले छः महीने से हाथ का मूवमेंट भी कम हो गया है और इनको 3 साल से डायबिटीज भी है। सर, ये जानना चाहते हैं कि क्या इनको किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के अंदर कंधे के अंदर स्टिफनेस और पेन काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसे केसेस में पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कभी भी सर्जरी नहीं होता है। हम लोग ऐसे केसेस में बोलते हैं कि सबसे पहले फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से पेन रिलीफ और मूवमेंट्स को बढ़ाया जाता है। फिजियोथेरेपी कोई 2-4 दिन की नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन का फिजियोथेरेपी किया और नहीं, कम से कम 6 हफ्ते से 2 महीने तक फिजियोथेरेपी, अच्छी फिजियोथेरेपी जिसके अंदर मशीन और मोडालिटीज और एक्सरसाइजेस हों। सिर्फ कुछ मशीनें कुछ सिकाई कर लिया वो फिजियोथेरेपी नहीं होता है। तो अच्छी फिजियोथेरेपी, अच्छी मेडिसिन जिसमें थोड़ा रिलीफ रहे, उससे अगर पेशेंट को रिलीफ होता है तो फिर सर्जरी की ज़रूरत नहीं। पर कुछ केसेस होते हैं जिनमें इतना पेन होता है कि बिल्कुल भी फिजियोथेरेपी के लायक नहीं होते हैं। ऐसे केसेस में हम हमेशा बोलते हैं कि एक बार कोई इंजेक्शन लगाते हैं जिस इंजेक्शन से इनको पेन में रिलीफ मिलता है। ये रिलीफ 1 से 1.5 महीने का टेम्परेरी रिलीफ होता है। इस दौरान हम फिजियोथेरेपी करते हैं। उस फिजियोथेरेपी से अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ केसेस हैं इसके बावजूद इनको फ़ायदा नहीं होता है। हालांकि इन केसेस की संख्या 100 में से 3 या 5 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। उन केसेस को सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है। सर्जरी ज़्यादा बड़ा सर्जरी नहीं है, दूरबीन से इसके अंदर हम जाते हैं, जो भी टाइट कैप्सूल के पार्ट्स होते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है, मूवमेंट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है और सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी तो ऐसे केसेस में कभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबसे पहले पेशेंट को सर्जरी की तरफ सोचना चाहिए। अच्छा फिजियोथेरेपी हमेशा पेशेंट को फायदा देता है। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, डायबिटीज़ अगर है और डायबिटीज़ का कंट्रोल नहीं होता है तो फिर केसेस में ऐसे पेशेंट्स में बार बार ये परेशानी आती रहती है। तो डायबिटीज़ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो दर्द बार बार आता जाएगा, फिजियोथेरेपी कराते जाएंगे ठीक होते जाएंगे फिर दोबारा आता जाएगा। तो डायबिटीज़ कंट्रोल एक अहम हिस्सा है ट्रीटमेंट का। जी सर, और कुछ? जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।